बारिश का मौसम हो या ठंडी का, ये आते ही इच्छा जागृत हो जाती है लिट्टी चोखा खाने की। कल मार्केट में गई, यह भरता वाला बैगन दिखा, मैं इसको ले आई। मैंने कहा क्यों ना लिट्टी चोखा बनाया जाए, तो मैं इसके लिए बना रही हूँ। बैगन हमेशा वेट में हल्का होना चाहिए, हल्का होने से इसमें बीजा नहीं होता है, और अगर बीजा निकल भी गया तो उसको आप निकाल लीजिए जिस समय भरता बना रहे हैं, बीजा किनारे कर लीजिए, क्योंकि भरता में बीजा का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। भरता बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हम एक कट देते हैं, और ये कट देने के बाद इसमें ये लहसुन और मिर्चा इसके अंदर घुसा देते हैं, और इसको चारों ओर जो है तेल से ऑयल ऑयल लगा देते हैं। इससे छीलने में बहुत सुविधा रहती है, छिलका आसानी से उतर जाता है। तो इसके बैगन में भी और आलू भी डालते हैं रोस्ट करके, तो आलू को भी ऐसे ही ऑयल लगा देते हैं, और ऐसे ही इसमें टमाटर भी डालते हैं, लेकिन आज टमाटर मेरे पास है नहीं, इसलिए टमाटर अब जब लाएंगे तो डाल लेंगे। टमाटर नहीं डाल रहे हैं, नींबू डालेंगे। ये देखिए इस तरह चिकना लगा लिया है, और इसके अंदर हम डालेंगे, यह इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, देखिए लहसुन, लहसुन इसके अंदर घुसा देंगे। यह आलू रोस्ट हो गया है, ये देखिए ओवन से, यह ओवन का रोस्ट किया हुआ है, इसको निकालना है तो इसको करके अंदर से आलू निकाल लेते हैं, आसानी से निकल जाता है। और इसी तरह जो गैस पर किए हैं उसका भी, ये गैस पर सेका हुआ है, और इसका भी इसी तरह निकाल लेते हैं, और इसको अच्छे से बैगन के संग मैश कर लेते हैं। एक बैगन को हम गैस पर भून रहे हैं और एक बैगन को मैं ओवन में भूनूंगी। ओवन पे ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं रोस्ट करूंगी, और इसको बीच बीच में पलटते रहते हैं जिससे ये जले नहीं। गैस पर यह पापड़ सेकने वाली जाली के ऊपर रखकर ही सेकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बर्नर पे अगर हम करेंगे तो बर्नर का छेद बंद हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये सिक रहा है, इसी तरह से हम सेकते रहेंगे घुमा घुमा कर, और ओवन में भी हम देख लेंगे एक तरफ कि कैसा सिक रहा है, और जब ये सॉफ्ट सा हो जाएगा तब इसको हटा लेंगे, यानी कि वो पक गया है। यह बैगन भुना गया है, ये गरम है, इसी समय इसको छील लेते हैं तो ये छिलका आसानी से उतर जाता है। ये देखिए ये आसानी से छिलका उतर जाता है, थोड़ा गर्म में ही अगर छीलते हैं तो इस तरह से, अगर गर्म लग रहा है तो थोड़ा पानी लगा लेते हैं हाथ में और इसको छील लेते हैं। इसको पानी से नहीं धोते हैं, पानी से धोने से इसमें पानी आ जाता है, पनेला सा टेस्ट हो जाता है। बहुत लोग करते हैं कि इसको पानी से धो देते हैं, पानी से नहीं धोना चाहिए। यह ओवन वाला बैगन ये भी सिक गया है, इसको इसका भी गुदा निकाल लेंगे। गुदा निकालने का एक ढंग यह भी है, जैसे इस उसमें तो मैंने छिलका उतारा, और यह देखिए कितने आसानी से ये निकल रहा है, इसको मैं छिलका निकाल ली हाँ, और ये ऐसे चम्मच से करके और इसका गुदा निकाल लेते हैं। यह देखिए कितने आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, और इसको हटा देंगे और इसके अंदर और जितना गुदा है उसको निकाल लेंगे हाँ। ये देखिए ये हो गया, और इसमें जो बीज है इसको हम निकाल लेंगे और गुदा अलग कर लेंगे, क्योंकि बीज का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है भरता में। और इस बाउल में मैं इसका ये रख रही हूँ, और इसी में करूँगी भरता बनाऊंगी। इसको अच्छे से मैं फॉक से कर लेंगे, इसी में मिर्चा है सब डाल देते हैं और मिला लेंगे, और बीज निकाल के गुदा भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए एक बैगन में बिल्कुल भी नहीं है, इसमें है, इसको अच्छे से
भरता कर लेंगे। यह आलू रोस्ट हो गया है, ये देखिए ओवन से, यह ओवन का रोस्ट किया हुआ है, इसको निकालना है तो इसको करके अंदर से आलू निकाल लेते हैं, आसानी से निकल जाता है। और इसी तरह जो गैस पर किए हैं उसका भी, ये गैस पर सेका हुआ है और इसका भी इसी तरह निकाल लेते हैं, और इसको अच्छे से बैगन के संग मैश कर लेते हैं। यह आलू और बैगन का भरता बन गया है, इसमें नमक अपने स्वादानुसार डालते हैं, अगर कम हुआ तो और डाल लेंगे। और इसी में नींबू डालते हैं, यह मैंने एक नींबू का रस निकाला है, अभी मैं आधा डाल रही हूँ, फिर अगर कम लगेगा तो और डाल लेंगे। कटी हुई धनिया, हरी धनिया है, इसको मिलाएंगे, और एक छोटा प्याज है जिसको मैंने महीन महीन काट लिया है। यह ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि भरता में आप प्याज और लहसुन डालिए ही, अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो बिल्कुल मत डालिए। मैं तो बिना प्याज का भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है, प्याज लहसुन के बिना भी बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। और इसमें मस्ट है सरसों का तेल, तो इस भरता में जरूर जरूर डालिए, बहुत अच्छा लगता है। अब इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ और ये तैयार हो गया, चख लेंगे। आपको नमक कम लग रहा है नमक डाल लीजिए, अगर खट्टा कम लग रहा है थोड़ा खट्टा डाल लीजिए, मिर्चा कम लग रहा है तो हरी मिर्च काट के डाल लीजिए। बहुत लोगों को थोड़ा मिर्च तेज चाहता है तो हरी मिर्च महीन महीन काट के डाल लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और इसको आप खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बताइए मुझे। ऐसे तो मैं टमाटर रोस्ट करके डालती हूँ, आज मेरे पास टमाटर नहीं है, तो आप टमाटर भी इसी तरह ऊपर से ऑयल लगा लीजिए और उसको रोस्ट कर लीजिए गैस के ऊपर जाली रखकर, या ओवन में, बहुत अच्छा रोस्ट होता है, और छील लीजिए। और छीलते समय अगर इसका काला काला छिलका थोड़ा इसमें मिल भी जाता है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी एक रोस्टेड टेस्ट देता है, स्मोकी टेस्ट देता है खाने में। चलिए ये तैयार हो गया, बस बैगन का भरता बनकर तैयार हो गया है। यह रोटी, पराठी, खिचड़ी किसी के संग भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, इसे आप लिट्टी बाटी के संग खाइए, बहुत अच्छा लगता है। लिट्टी बाटी के संग तो इसका स्वाद ही निराला है, तो आप बनाइए और खाइए, बनाने में भी कोई झंझट नहीं है, बहुत आसान है। और अपना अनुभव मुझसे जरूर शेयर कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए, सबसे पहले मेरे सभी वीडियोस आप तक पहुंचेंगे। धन्यवाद।